हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों बताया था कि आपको पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं बताना जा रहा हूं कि आप पीएफ नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका पीएफ नंबर होगा तभी तो आप पीएफ चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपका पीएफ नंबर कैसे चेक हो सकता है, आपका यूएन नंबर कैसे चेक हो सकता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हम ईपीएफओ की सेम वेबसाइट पे चले जाएंगे गूगल क्रोम में, और ईपीएफओ सर्च करेंगे और ईपीएफओ की साइट पे जाएंगे। और उसके बाद जाने के बाद सीधे हम लोग ऑनलाइन क्लेम, अब इस ई पासबुक पर नहीं जानी है, ऑनलाइन मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र जो लिखा है ऑनलाइन क्लेम, इस पर क्लिक करेंगे। इसका थोड़ा साइट स्लो रहता है तो आप लोग परेशान ना होइएगा, इसका थोड़ा साइट का दिक्कत रहता है। साइट खुल रही है, थोड़ा साइट खुलने में देरी लगती है इसकी। तो दोस्तों साइट खुल चुकी है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप डेस्कटॉप साइट भी यहां से कर सकते हैं, जिससे फुल दिखाई देगा यहाँ से डेट ऑफ साइड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ से ही लॉगिन हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको अपना यूएन नंबर जानना है, पीएफ नंबर जानना है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है नो योर यूएएन, इस पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, इस पर क्लिक करना है नो योर यूएएन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर वेट कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, बने रहे वीडियो में। तो जैसे ही आप नो यूएन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, देखिए। अब हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आधार में रजिस्टर है, वही नंबर डालनी है जो आधार में रजिस्टर है। तो यहाँ कैप्चा डाल देंगे, ध्यान से कैप्चा डालिएगा। अब यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी कर देंगे, थोड़ा देर वेट कीजिएगा तो ओटीपी आएगी। तो आप जैसे ही सबमिट करते हैं एक ओटीपी आएगी, देखिए ओटीपी आ गया है। अब इंटरफेस खुलेगा, तो दोस्तों जो ओटीपी आई थी वो ओटीपी यहाँ डाल देनी है, 676813 676813। फिर से यहाँ जो कैप्चा है, तो दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी डाल देते हैं, कैप्चा डाल देते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको नाम डालना है, मेरे पहले से नाम है मेरा आदित्य कुमार, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, यहाँ आप अपना आधार नंबर डालिएगा। आपको आधार नंबर कंपलसरी है, आधार नंबर आपको डालना है, आधार नंबर से ही आपका पीएफ नंबर पता चलता है।
उसके बाद आपको कैप्चा डाल देनी है, सी एक्स टू एम ए, ये सब डाल के आपको ऐसे क्लिक कर देनी है सो माय यूएन। थोड़ा नेटवर्क इशू होता है इसमें, इसका साइट जो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है, तो आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसका साइट काफ़ी स्लो रहता है, इसलिए मैं बीच में थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सब कैप्चा यूएन डाला, सो माय यूएन किया, मैंने सारा डिटेल डाला, ये देखिए मेरा यूएन नंबर आ गया, यही आपका पीएफ नंबर है, यही आपका सारा डिटेल इसी में रहता है। आपको पीएफ नंबर नहीं मालूम है, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने सेम प्रोसेस किया है, आप सेम प्रोसेस से कीजिएगा, आराम से कीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा साइट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको बता दिया कि पीएफ नंबर कैसे आप निकाल सकते हैं। मेन पीएफ नंबर ही होता है, जो जो काम करते हैं, जो जहाँ भी काम करते हैं उनका एक पीएफ कटता है, वो पीएफ नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया प्रॉपर। थैंक यू सो मच।